हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज हम फिर आपके सामने न्यूज़ लेके आए हैं स्पोर्ट्स जूनियर इंडिया के। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पहली ये है कि इंडियन प्लेयर सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, इन्होंने अभी एक कोरियन ओपन में एक स्मैश लगाया और उस स्मैश की जो स्पीड थी वो दर्ज की गई 7.565 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो स्पीड है ये इन्होंने ये सबसे फास्टेस्ट स्मैश आज तक का, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हो गया है इनका। लेकिन इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि 10 साल से ज़्यादा पुराना था, 2013 में बनाया था मलेशिया के टैन बुन ह्योंग ने, और उनकी स्पीड थी 493 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इंडिया के लिए और इंडियन प्लेयर्स के लिए और इंडियन फैंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि हम अपने प्लेयर्स को हमारे प्लेयर्स अपनी एबिलिटी प्रूफ कर रहे हैं। साथ ही एक बात और बता दूं आपको कि ये हमारे जो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, इनके एक और पार्टनर है, उनका नाम है चिराग शेट्टी, मेंस डबल खेलते हैं इनका। और ये नॉर्मल प्लेयर्स नहीं है कि ऐसे इनको हम नॉर्मल में लें, ये बहुत वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं। इनकी जो अचीवमेंट है आप ऐसी समझ लीजिए कि थॉमस कप इंडिया की हिस्ट्री में, जो थॉमस कप गोल्ड कप इंडिया को मिला था, गोल्ड मिला था वो लास्ट ईयर, वो इन्हीं की वजह से मिला था, इन मैच होता है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से। साथ ही एशियन एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होती है दोहा में, जो हुई थी 2023 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल ही पाया था। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है उनमें भी इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो ये सब मतलब मैं टोक्यो में जो हुआ था मतलब, तो ये मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं और ओलंपिक्स में इनके मेडल मिलने के चांसेस, मेडल जीतने के चांसेस ज़्यादा है पेरिस ओलंपिक्स में। एशियन गेम्स में वैसे अभी खेलने वाले हैं, तो एशियन गेम्स इनको जिनको इनको सपोर्ट करना हो या इनको मैच देखना हो जिनको, वो आराम से एशियन गेम्स में देख सकते हैं। तो एशियन गेम्स की बात फिर अब बात आती है सेकेंड इवेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का। 2022 वाला तो बर्मिंघम में हो गया, और 2026 का जो था उसका होस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया है, और वो ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में, विक्टोरिया स्टेट में होना था। अब बात ये आ रही है कि जो ऑस्ट्रेलिया के पास फंड कम है CWG को कराने के लिए, तो क्योंकि जो खर्चा था पहले, जो अमाउंट बताया गया था उनके द्वारा, अब उस अमाउंट से ज़्यादा ऑलरेडी उनका खर्चा होने लगा है। तो वो कह रहे कि अब वो वर्ल्ड कप कराने के, ये कॉमनवेल्थ गेम्स कराने के कंडीशन में नहीं है, और वो अपने जो होस्ट करने के राइट्स थे वो छोड़ना चाहते हैं। सो ये अब हम अटकलें लग रही थी कि शायद इंडिया होस्ट करे, क्योंकि हमारी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्पोर्ट्स पे काफ़ी फोकस कर रही है, प्लेयर्स को काफ़ी मोटिवेट करती है। तो लग रहा था गुजरात जो है, गुजरात स्टेट, वहाँ पे होस्ट किया जाएगा, लेकिन गुजरात की भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम कोई कॉमनवेल्थ जैसा स्पोर्ट्स इवेंट अभी होस्ट कर सके। अब ये तो देखिए जो है कि ये तो स्टेट की गवर्नमेंट ने मना किया, देखिए अब शायद सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मन करे, उनका कोई मतलब इंटेंशन होगा इस होस्ट करवाने का, तो इंडिया पक्का कोशिश कर सकती है। लेकिन फिलहाल यही है कि ये न्यूज़ जो है अभी ये बिल्डिंग सिचुएशन में है, अभी न्यूज़ अभी और आगे बढ़ेगी, देखते हैं कौन सी कंट्री तैयार होती है इसको कहते हैं होस्ट करवाने के लिए। क्या पता ऑस्ट्रेलिया ही करवा ले, और क्या पता कोई होस्ट ना करवाए, तो इस केस में 2026 में आपको कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है होस्ट करवाए जाएंगे किसी ना किसी के द्वारा। तो अब यही है कि अब देखिए कब तक होता है। तो यही दो आपको न्यूज़ थी। इसके अलावा हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम अभी एशियन गेम्स आने वाले हैं 2023 के, तो इंडिया ने 2 बार एशियन गेम्स हुआ होस्ट किए, 1951 में और 1982 में, और उससे जुड़े भी काफ़ी फैक्ट्स हैं जो कि हम आपके सामने लाना चाहेंगे, काफ़ी अननोन फैक्ट्स या फिर बहुत मिस जो ऐसे फैक्ट्स जो कि अभी तक किसी के पास, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा सुन के उनके उन फैक्ट्स के बारे में। तो हमारे मेडलिस्ट की कहानियाँ या फिर हमारे मेडलिस्ट के कुछ इवेंट्स के बारे में आपको आपसे डिस्कस या आपके बारे में उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे ऐसी न्यूज़ को आप देखने के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मैंने आपके लिए छोड़ रखा है ओपन, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स वहाँ ज़रूर करिए। आपको कैसा वीडियो लगा, आप क्या चेंजेस चाहते हैं, और क्या खराबी है हमारे वीडियो में, आपको क्या अच्छाई लगी, हम सारे कमेंट्स आपके एक्सेप्ट करते हैं। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्पोर्ट्स हंटे।